देख मोबाइल में लग रहा, मोबाइल में। ए हट जा भैया, गैया लग जाएगी फिर पैर में। ताजी निकल रहे, ताजी है। तो अभी हम कर रहे हैं माइक टेस्ट, और मैंने ले लिया JBL का माइक, ये पड़े मेरे 500 रुपए का। हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है भाई साहब। मेरा जो माइक है ना, वो कनेक्टर कभी आवाज़ आ जाती है, कभी पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। माइक तो ठीक है, अब अंदर जो मीडिया मोड है उसमें दिक्कत है, कनेक्टर में दिक्कत है, ये पता नहीं। देख मोबाइल में लग रहा, मोबाइल में। तो मैं जा रहा हूँ पहले सनातन मार्केट, तो वहाँ पर कनेक्टर ही पूछूँगा। बारिश आ चुकी है और तो बाहर धूप भी निकल रही है। किशोरी श्याम की दुकान बहुत पुरानी है। अरे साहब ट्रैफिक नहीं हो, कोई पालन नहीं करता है हमारे सब। हम तो बहुत करते हैं, इंडिकेटर देते हैं, हाथ देते हैं, हॉर्न बजाते हैं, कहीं गली में मुड़ना हो तो लोग भैंस ही मुड़का देते हैं। रुको जरा, तसल्ली रखो। तो दोस्तों आ चुके हैं लक्ष्मण मंदिर, किशोरी श्याम की दुकान के पास। किशोरी श्याम क्यों, जनता बेकरी पास, गोपाल का चौड़ी वाले। अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रहा है, गाय बैठ गई दो, और गाय से याद आया परसों ही मेरी गाय में एक्सीडेंट हुआ था, पर लगी नहीं, गनीमत ही रही। और ताजे निकल रहे हैं यहाँ तो। ए हट जा भैया, गैया लग जाएगी फिर पैर में। ताजी निकल रहे, ताजी है। तो आज मुहर्रम है, मुहर्रम के उपलक्ष्य में ताजी निकल रहे भरतपुर में, आपको दिखाते हैं। पहले मोटरसाइकिल रख के आते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। ये आगे सनातन धर्म मार्केट। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी सनातन मार्केट में, और भैया की शॉप है परफेक्ट इलेक्ट्रिक मोबाइल, पहली पड़ती है। उसमें देख रहे हैं कि आवाज़ का एक दूसरा कनेक्टर दे गया है, ये वाला कनेक्टर आ नहीं रहा है, और इसकी आवाज़ देखता हूँ आती है कि नहीं आती है। और देख रहे हैं भैया कोई मिल जाए तो। दोस्तों अभी लगाया है, खाली कनेक्टर लगाया है JBL का, ये वाला JBL का, और जिसमें JBL का माइक भी आता है, 500 रुपये बता रहे हैं दुकान वाले भैया। तो देखते हैं आवाज़ आती है कि नहीं आती, इसमें कैसी आवाज़ आ रही है वो भी देख चेक कर लेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं माइक टेस्ट, और मैंने ले लिया JBL का माइक, ये पड़े मेरे 500 रुपये का। इसमें एक सुनने का और है फंक्शन, और वो पता नहीं कुछ आवाज़ आ नहीं रही है, देखते हैं कैसी आती है आवाज़ आ रही कि नहीं। ये पुराना माइक है मेरा, इसमें चेक कर रहा हूँ मैं पुराने माइक में आवाज़ आती कि नहीं। कनेक्टर तो वही है, अब पता नहीं रह गया था अधूरा। तो दोस्तों अभी का सीन ये है कि हमने कनेक्टर तो नहीं लिया, अभी निकलते हैं मार्केट से। शायद मेरा कनेक्टर ही लूज हो गया होगा, इस वजह से आवाज़ चली जाती है। तो अब मेरे को ताजे निकल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए ताजे निकल गए पूरे, रास्ता खुल गया।
तो ये था अपना भरतपुर के ताजिया निकल रहे थे, और भी डीजे चल रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं ताजिया। तो हमारे यहाँ भरतपुर में दुकानें खुली हुई हैं और ताजिया के उपलक्ष्य में, और नहीं तो बहुत यूपी में दुकानें बंद कराने के जोर था, पर यहाँ पे नहीं। तो भाई साहब निकल आए, भीड़ कम हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था लक्ष्मण मंदिर से लेके गंगा मंदिर तक, और आदित्य आजिए तो निकल चुके थे, शायद हमारी आवाज़ आ जाए अच्छी आपको। घोड़ों से तो यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था पूरी, इधर से लूँगे इधर से लूँ उधर से ले लो। तो कल पता लगेगा कैसे निकले ताजिया, अभी तक तो शांतिपूर्ण था, यहाँ तक कोई पुलिस हमारे यहाँ की अच्छी है। और ये देखिए पानी की पानी पाउच, ये पानी भी बहुत बुरा लगता है मेरे को, पानी पानी पिला देते हैं, पानी पिलाइए शांति के साथ, ना कि पोल्यूशन फैला के गंदगी फैला के। ऐसे ही अपनी जब वो निकलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, राम बारात या कुछ भी निकलेगा जुलूस वगैरह अपने हिंदुओं में भी, तो वो भी प्लास्टिक का यूज बहुत करते हैं, इसकी वजह से गंदगी हो जाती है। तो इधर चलते हैं, शुभलक्ष्मी वाले पे टी शर्ट हमारी प्रिंट हो गई होगी। किधर गई शुभ लक्ष्मी, ये रही शुभलक्ष्मी। हो गई भाई साहब टी शर्ट तो भैया टी शर्ट मिलेगी कल, आना बेकार रहा यहाँ पे। अभी निकलते हैं धर्मेंद्र भाई के पास, वो कनेक्टर की बता रहा था मेरे को, क्योंकि समझ में नहीं आया कौन सा कनेक्टर, और मुझे बच्चों को शास्त्री पार्क ले जाना, तो मैं उनके यहाँ 5 मिनट रुक के निकल लूँगा। पुलिस वालों की आज अच्छी खासी परेड हो रही है, क्योंकि आज ताजिया निकला ना, तो उसकी वजह से पुलिस की व्यवस्था पूरी चौकसी, कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं, कुछ भी हंगामा होता है तो पुलिस वाले सस्पेंड। तो बड़ी कर्री नौकरी है, ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं है, सबसे पहले छोटे अफसरों पर गाज गिरती है। दे, 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 दे,
अभी चलते हैं धर्मेंद्र भाई साहब के पास। ये बदन सिंह स्कूल आ गए हम, और लफड़ा ये है कि इसकी आवाज़ ना कभी कभी चली जाती कभी आ जाती है। अब ये पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, नहीं तो मुझे को फिर कनेक्टर लेना ही पड़ेगा। अब बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ी देर पानी पी के बस भाई साहब के पास से निकल लेंगे। नमस्कार भाई साहब, आवाज की दिक्कत आ रही है तो आएगा है? लाइट ना आ रही, एक घंटा नहीं यहाँ में ही दिक्कत आ रही है कनेक्टर की। 5 minutes later अब चालू हुआ है। तो भाई साहब चल रहे हैं बिजी, और मैं निकल रहा हूँ भैया। तो मैं पूछने आया था मल्टीवर्स के सामने धर्मेंद्र भाई साहब से कि कनेक्टर मिल जाएगा, नहीं इन पे मिला ही नहीं कनेक्टर। अब मैं सीधे निकलता हूँ घर के लिए, तो शायद माइक की आवाज़ आ जाए तो सही अच्छी बात है। और यहाँ पे मेरे को गैया ने ठोका था, मैं यहाँ से निकल रहा था तो गैया ने एकदम ठोक दिया मेरे को। और कौन सी गैया थी यार, इधर ही गैया थी यहाँ पे। फिर मैंने अपनी ये वाली इधर ही बैठी जो यहाँ पे अपनी बाइक सही करी, टेढ़ी हो गई थी मडगाड़। और आज ये भी जो मेरा जो साइड मिरर है वो भी टेढ़ा हुआ पड़ा है। अभी निकलते हैं घर के लिए। आई होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा तो लाइक कमेंट शेयर, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आवाज़ नहीं आई तो घर पे जाके आपको फिर दोबारा से सब्सक्राइब करवा देंगे चैनल। और बाजार खड़ा है एक सामने, भाई साहब धीमे कर लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं गाय वालों का, तब मार दे।